नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा 6 अक्टूबर को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पहले वनडे मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, वहीं पर इस पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले वनडे मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल मेंस ODI मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों इस मैदान पर अभी तक टोटल 3 मेंस ODI मैचेस खेले जा चुके हैं। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 230 रन का है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 217 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल मेंस ODI मैचेस के स्टैट से ये बात कंक्लूड कर सकते हो कि इस मैदान पर जो टीम सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करती है उस टीम को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, इसीलिए चेजिंग टीम्स ने इस मैदान पर ज़्यादा मुकाबले जीते हैं। वहीं पर जो ओवरऑल एवरेज इनिंग्स के स्कोर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हाई नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है और इस मुकाबले में भी आपको एक मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर 3 ODI मैचेस अभी तक खेले गए हैं, उन मैचेस में जो फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर हैं वो आपको 250 के नीचे या फिर 260 के आसपास ही बनते हुए नजर आए हैं। मतलब दोस्तों, इस मैदान पर बल्लेबाजी के लिए जो कंडीशंस है वो पूरे मैच के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती हैं। जब गेंद नहीं रहती है तब बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है, स्ट्रोक मेकिंग करना आसान साबित होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है और गेंद जो है वो पुरानी होती है, तब पिच से गेंद धीमी आती है और बल्लेबाजी करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। और जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, स्पिनर्स इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल साबित होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस वनडे मैच में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले के लिए जो वेदर फोरकास्ट है वो अच्छी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी वेदर फोरकास्ट की गई है और बारिश के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो ऐसी कंडीशंस में मुझे लगता है कि दोनों टीमें चेस करना ही प्रेफर करेंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल ODI मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो वेस्टइंडीज की टीम का है अफगानिस्तान के खिलाफ 253 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल है वो अफगानिस्तान की टीम का है वेस्टइंडीज के खिलाफ 194 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो वेस्टइंडीज की टीम ने किया है अफगानिस्तान के खिलाफ 253 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो भी वेस्टइंडीज की टीम ने किया है अफगानिस्तान के खिलाफ 247 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो 3 मेंस ODI मैचेस इस मैदान पर अभी तक खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 18 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 21 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 14 विकेट्स लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 4 विकेट मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 13 विकेट लिए, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 6 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने टोटल 2 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों, आप इन 3 मेंस ODI मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि जो लखनऊ की पिच है यहाँ पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए मदद रहती है, इसलिए लगभग बराबरी विकेट्स दोनों ने चटकाए हैं। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को शुरुआती ओवर्स में काफ़ी स्विंग मिलेगी। इसके अलावा जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी तो इस पिच पर वो फास्ट बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे जो अपनी गति में मिश्रण ज़्यादा करते हैं, वेरिएशंस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कि स्लोअर डिलीवरीज, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरीज और नकल बॉल ज्यादा फेंकते हैं। उस तरीके के गेंदबाज इस पिच पर काफी ज्यादा विकेट चटकाएंगे। अगर हम स्पिनर
स्पिनर्स की बात कर लें तो दोस्तों दोनों इनिंग्स में, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या फिर सेकंड इनिंग्स हो, आप देखेंगे कि 20 ओवर्स के बाद इस पिच पे स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, गेंद काफी टर्न होगी, क्योंकि जब गेंद पुरानी हो जाएगी तो यहां पर दोस्तों पिच से धीमी गति से आएगी और ऐसे में स्पिनर्स आपको बड़ी भूमिका इस मैच में निभाते हुए नजर आएंगे। तो दोनों इनिंग्स में मुझे लगता है कि इस मैच में आपको स्पिनर्स काफी ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में दोस्तों आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो इस वनडे सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड में कई सारे युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है और इस पहले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में भी आपको कई सारे यंग प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कि शाहबाज अहमद और रजत पाटीदार का इस मुकाबले में ओडीआई डेब्यू हो सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आपको दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन शिखर धवन के साथ शुभमन गिल, नंबर 3 पर आ सकते हैं वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर विकेटकीपर संजू सैमसन, नंबर 5 पर रजत पाटीदार या फिर ईशान किशन, नंबर 6 पर शाहबाज अहमद, नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 8 पर दीपक चहर, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर कुलदीप यादव और नंबर 11 पर रवि बिश्नोई आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों आपको साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के साथ जानेमन मलान, नंबर 3 पर आ सकते हैं कैप्टन तेम्बा बाबूमा, नंबर 4 पर रीजा हेंड्रिक्स, नंबर 5 पर एडन माकरम, नंबर 6 पर डेविड मिलर, नंबर 7 पर ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 8 पर केशव महाराज, नंबर 9 पर गेगिसो रबाडा, नंबर 10 पर एनरिक नोकिए और नंबर 11 पर तबरेज शमसी आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का वनडे इंटरनेशनल में आमना सामना टोटल 87 मैचेस में हुआ है, जहां पर इंडियन टीम ने 35 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 49 मैचेस जीते हैं और 3 मुकाबले नो रिजल्ट पर खत्म हुए थे। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में साफ तौर पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अब अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 10 ओडीआई मैचेस के रिकॉर्ड्स की, तो वहां पर इंडियन टीम को एज हासिल है। इंडियन टीम ने 6 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें पिछले 5 ओडीआई मैचेस की जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर फिर से साउथ अफ्रीका को एडवांटेज हासिल है। साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि इंडियन टीम ने 1 मैच जीता है और एक मुकाबला बारिश की वजह से नो रिजल्ट पर खत्म हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हाल फिलहाल में जब इन दोनों टीमों के बीच मैचेस खेले गए हैं तो वहां पर साउथ अफ्रीका का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। अब अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों की वनडे इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की, तो इंडियन टीम ने जो अपने पिछले 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से सभी मैचेस में जीत हासिल करी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम ने जो पिछले 5 ओडीआई मैचेस खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं और 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों आप फॉर्म वाइज ये कह सकते हो कि इस समय प्रेजेंट फॉर्म के हिसाब से इंडियन टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। अब अगर हम बात कर लें पिछले 10 ओडीआई मैचेस में दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की, तो इंडियन टीम का जो विनिंग परसेंटेज है वो 90 है जबकि साउथ अफ्रीका का 60% है। एवरेज स्कोर के मामले में साउथ अफ्रीका बेहतर है 232 जबकि इंडिया का 227 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी साउथ अफ्रीका बेहतर है 333 जबकि इंडिया का 312 है और लोएस्ट स्कोर के मामले में इंडिया ज़्यादा बेहतर है 114 जबकि साउथ अफ्रीका का 83 है। तो दोस्तों पिछले 10 ओडीआई मैचेस के अगर विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो वहां पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकलती हुई नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन पिछले 10 ओडीआई मैचेस में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, पर इंडियन टीम ने काफ़ी ज़्यादा अपने मैचेस जीते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडियन टीम को एज हासिल है लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में साउथ अफ्रीका का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। ऐसे में दोस्तों ये मुकाबला आपको एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा रोमांचक देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मुकाबला
मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो इंडियन टीम की तरफ से आप शुभमन गिल के साथ जा सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 450 रन बनाए हैं 112 के एवरेज और 111 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा शिखर धवन को भी आप इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 373 रन बनाए हैं 46 के एवरेज और 72 के स्ट्राइक रेट के साथ। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से आप क्विंटन डिकॉक के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 419 रन बनाए हैं 60 के एवरेज और 106 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप जानमन मलान को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 251 रन बनाए हैं 25 के एवरेज और 71 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन बॉलर्स की बात कर लें तो यहाँ से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं 4.63 की इकोनॉमी और 31 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप राइट आर्म फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर के साथ भी जा सकते हो। पिछले 5 मैचेस में 11 विकेट्स लिए 6.06 की इकोनॉमी और 19.63 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर दोस्तों इंडियन टीम की तरफ से आप राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ से आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर तबरीज शमसी के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 9 विकेट्स लिए 5.25 की इकॉनमी और 34 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर दोस्तों आप लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 8 विकेट्स लिए 4.92 की इकॉनमी और 54 के स्ट्राइक रेट के साथ। साउथ अफ्रीका की तरफ से आप फास्ट बॉलर केगिसोर अबाडा को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। अंत में दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें तो इस समय ओपनिंग के मामले में मुझे इंडियन टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर के मामले में साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बैटिंग डेप्थ के मामले में भी साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा बेहतर है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में इंडियन टीम ज्यादा बेहतर लग रही है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो उस समय साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग नजर आ रही है इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के कंपैरिजन में, क्योंकि दोस्तों इस वनडे सीरीज के लिए इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में आपको कई सारे इनएक्सपीरियंस्ड और नए प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में आपको सभी बड़े प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे में दोस्तों प्लेइंग 11 के हिसाब से साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप करंट फॉर्म की बात करोगे तो ओडीआई क्रिकेट में इस समय जो करंट फॉर्म है वो इंडियन टीम की काफी ज्यादा शानदार चल रही है, क्योंकि इंडियन टीम ने शिखर धवन की कप्तानी में वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में क्लीन स्वीप किया। इसके अलावा जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में भी ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसे में दोस्तों कॉन्फिडेंस इंडियन ओडीआई टीम का काफी ज्यादा हाई है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का भी जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा खराब तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस वनडे सीरीज में एक्सपीरियंस के हिसाब से साउथ अफ्रीका की टीम फेवरेट्स स्टार्ट कर रही है। लेकिन अगर पहले ओडीआई मुकाबले की बात की जाए तो मुझे लगता है कि फेवरेट साउथ अफ्रीका की टीम नजर जरूर आ रही है, लेकिन मोमेंटम जो है वो इंडियन ओडीआई टीम के पास मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, और इसलिए दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो इंडियन टीम के पास ही जाने वाली है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और आपके हिसाब से कौन सी टीम इस वनडे सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करेगी, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैच की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।